मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेहाना के पति का इंतकाल, लंबे समय से बीमार चल रहे थे रियाज चिश्ती। पीसीसी चीफ डोटासरा ने किया शोक व्यक्त, रियाज के इंतकाल की दुखद सूचना मिली। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। बड़ी खबर, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेहाना के पति का इंतकाल, लंबे समय से बीमार चल रहे थे रियाज चिश्ती। पीसीसी चीफ डोटासरा ने किया शोक व्यक्त, रियाज चिश्ती के इंतकाल की दुखद सूचना मिली। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं, कहना पीसीसी चीफ डोटासरा का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। यहां महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेहाना के पति का इंतकाल हो गया है, लंबे समय से बीमार चल रहे थे रियाज। आपको बता दें पीसीसी चीफ डोटासरा ने शोक व्यक्त किया है, साथ ही उन्होंने कहा है रियाज चिश्ती की इंतकाल की खबर बेहद दुखद, मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। यहां महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेहाना के पति का इंतकाल हो गया है, लंबे समय से बीमार चल रहे थे रियाज। पीसीसी चीफ डोटासरा ने शोक व्यक्त किया है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेहाना के पति का इंतकाल, ट्वीट कर गोविंद सिंह डोटासरा ने शोक व्यक्त किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, शोक व्यक्त किया है उन्होंने। उन्होंने कहा मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर घरसाना से इस वक्त की बड़ी खबर, घरसाना सीमावर्ती क्षेत्र में हैंड ग्रेनेड मिला है। बड़ी खबर, पुराना होने के कारण नहीं लगा फ्यूज, बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। शक 21 जीडी रोही में हैंड ग्रेनेड मिला। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। घरसाना से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां घरसाना सीमावर्ती क्षेत्र में हैंड ग्रेनेड मिला है, पुराना होने के कारण नहीं लगा फ्यूज, बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। चक 21 जीडी रोही में हैंड ग्रेनेड मिला है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। घरसाना से ये बड़ी खबर, जहां हैंड ग्रेनेड मिला है, घरसाना सीमावर्ती क्षेत्र में हैंड ग्रेनेड मिला है। आपको बता दें बीएसएफ और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे हैं, पुराना होने के कारण नहीं लगा फ्यूज, बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। चक 21 जीडी रोही में हैंड ग्रेनेड मिला है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। घरसाना से ये बड़ी खबर है, जहां सीमावर्ती क्षेत्र में हैंड ग्रेनेड मिला है। आपको बता दें पुराना होने की वजह से फ्यूज नहीं लगा, बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घरसाना से यह बड़ी खबर, चक 21 जीडी रोही में हैंड ग्रेनेड मिला है, बड़ी खबर घरसाना से, जहां हैंड ग्रेनेड मिला है, सीमावर्ती इलाकों क्षेत्र से हैंड ग्रेनेड मिला है। आपको बता दें बीएसएफ और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, पुराना होने के कारण फ्यूज नहीं लगा, जीडी चक 21 जीडी रोही से यह हैंड ग्रेनेड मिला है, बीएसएफ और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। घरसाना से यह बड़ी खबर, एक बड़ी खबर से आपको घरसाना से रूबरू करा रहे हैं। घरसाना सीमावर्ती क्षेत्र में हैंड ग्रेनेड मिला है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जगसीर सिंह ढिल्लो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगसीर, क्या कुछ जानकारी? पुराना हालांकि बताया जा रहा है लेकिन हैंड ग्रेनेड मिला है, बड़ी खबर। जी मैडम, मैं आपको बता दूं, ये बीएसएनएल की जांच हुई है इसमें और ये काफी पुराना हैंड ग्रेनेड लग रहा है जो बरसाना से कम 21 किलोमीटर दूर है और 21 जेबी दूरी है यहाँ पे मिला है। यहाँ पे दौरे का भी है, दोनों ने ये दब किया था और अब किसानों को और वहां के माल चाहने वालों को पता चला और उन्होंने बताया। ये सूचना दी थी और उस टाइम बरसाना पुलिस वहां पहुंच गई थी और अभी जो है इस जांच के बाद पता चलेगा। बरसाना पुलिस ने बीएसएफ और अब पुलिस को दोबारा सूचना मिली है और उसके बाद वहां पे वो पहुंचे हुए हैं और सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा की जांच पर काफी समय से चल रही थी और उस समय ये लग रहा है कि वहां ग्रेनेड रह गया, रेत में दब गया और अब जो है जी करसाना पुलिस ने जो है सूचना दी है सीमावर्ती क्षेत्र में ये ग्रेनेड मिला है। जी जगसीर जी बिल्कुल, और यहाँ पर पुलिस और बीएसएफ के जवान पहुंच गए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बाड़मेर से ट्रेलर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। दुर्गापुरा माडपुरा के बीच का मेघ हाईवे पर यह हादसा बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर बाड़मेर से, तस्वीरें आप देख सकते हैं, रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां पर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भयानक यह हादसा, 4 लोगों की मौत हो गई है, ट्रेलर और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। आपको बता दें दुर्गापुरा माडपुरा के बीच में मेघ हाईवे का यह हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस और जांच में जुट गई है। बाड़मेर में एक बार फिर दिखा है रफ्तार का कहर, हादसे में 4 लोगों की मौत, तस्वीरें देख सकते हैं, क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी ट्रेलर और 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाड़मेर से ये बड़ी खबर जहां जबरदस्त भिड़ंत हुई है ट्रेलर और कार में जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त है गाड़ी और ट्रेलर। बाड़मेर में दिखा है रफ्तार का कहर, बड़ी खबर बाड़मेर से जहां ट्रेलर और कार में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। दुर्गापुरा माडपुरा के बीच में मेघ हाईवे का यह हादसा, मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। बड़ी खबर बाड़मेर से जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है, क्षतिग्रस्त गाड़ियां, क्षतिग्रस्त कार और ट्रेलर, तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। रूपवास में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसा हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पहला हादसा घाटौली और इब्राहिमपुर के बीच हुआ और वहीं दूसरा हादसा धौलपुर रोड पर हुआ है, दोनों ही हादसों में बाइक सवार की मौत हो गई है। रूपवाद से ये तस्वीरें आपके सामने जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला, 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें रूपवास से, पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया और शवों को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, ये 2 अलग अलग हादसे हुए हैं। रूपवास से तस्वीरें आपके सामने, 2 अलग अलग हादसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर जहां पर हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूपवास से तस्वीरें आपके सामने। बाड़मेर में बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते बस और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई,
सड़क हादसे में पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। बाड़मेर से तस्वीरें आपके सामने, जहां एक और सड़क हादसा हुआ है और एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस ड्राइवर की लापरवाही से भिड़ंत हो गई बस और पिकअप में। आपको बता दें, पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होनी है आज शाम 7 बजे। सीएमआर की बैठक होगी। आपको बता दें, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे शामिल। गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होनी है आज, बड़ी खबर। सीएमआर में होगी कैबिनेट बैठक। गहलोत कैबिनेट की ये अहम बैठक, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, तमाम फैसलों पर मोहर लग सकती है। अहम बैठक होनी है आज गहलोत कैबिनेट की। सीएमआर में होगी ये बैठक शाम 7 बजे। सीएमआर में होगी ये बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। आपको बता दें, बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल होंगे। गहलोत बैठक, और ऐसे में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और तमाम मुद्दों पर मोहर भी लग सकती है। असम चुनाव के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सीएम अशोक गहलोत के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, वहीं सचिन पायलट को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। असम चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं और दोनों ही कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे असम में। ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत और स्टार प्रचारक के तौर पर सचिन पायलट को भी चुना गया है। ये दोनों स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं और ऐसे में ये दोनों असम के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करेंगे। कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां असम चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। असम चुनाव के लिए तैयार है कांग्रेस, और ऐसे में जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों शामिल हैं और दोनों ही असम के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करेंगे। भरतपुर के बयाना में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के खराब होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस दौरान भरतपुर सांसद रंजीत कोली ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। और आपको बता दें, और ऐसे में यहां पर बयाना से तस्वीरें, आपको बता दें, बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते वहां फसल को खासा नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फसलों को खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर शिकन देखने को मिल रही है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते ये फसल पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर शिकन और तमाम परेशानियों का अब सामना किसानों को करना पड़ेगा। ऐसे में वहां के सांसद से भी बातचीत की गई। आपको बता दें, बयाना से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनको लेटर भी लिखा था 8 तारीख को, 8 मार्च को, जहां पर भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में एक बारिश हुई थी, ओला और बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। आप बताएं सांसद महोदय। जिस तरीके से मेरे भरतपुर जिले में बयाना क्षेत्र में काफी गांव में ओलावृष्टि के कारण बहुत ही नुकसान हुआ है, और मैं खुद भी मैंने दौरा किया है और जहां पर खेतों में जाकर देखा है कि गेहूं की जो फसल खड़ी थी वो सूख गई, सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैंने जिला कलेक्टर को भी लेटर लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी लेटर लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी गिरदावली भी नहीं हुई है और किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं सांसद जो भरतपुर की रंजीता कोली, वो यूं कह रही है कि मैंने जो लेटर लिखा है अशोक गहलोत और जिला कलेक्टर को, उसमें अब तक गिरदावली रिपोर्ट नहीं हुई है। मैडम, एक चीज बताएं आप, राजस्थान में किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, तो क्या संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ हो पाएगा क्या राजस्थान में? जिस तरीके से चुनावों के वक्त
हम देखते हैं कि राजनीति करी जाती है अपने किसान भाइयों को लेकर के, लेकिन किसानों का केंद्र में सरकार केंद्र में बैठे हुए माननीय राहुल गांधी जी ने भी ये बोला था कि दस्तक गिनती बोल करके कि कर्ज माफ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि राजस्थान में जो सरकार है वो राजनीति करना छोड़ दे और किसानों का कर्ज माफ जरूर करे। तो कहीं ना कहीं जो सांसद है भरतपुर उनका यही कहना है कि किसानों के नाम पर जो कांग्रेस सरकार है राजनीति करती है, और राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले पहले ही कह दिया था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन अभी तक राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो अशोक गहलोत से सांसद यही मांग कर रही है कि जल्द से जल्द जो किसानों का जो कर्जा माफ करा जाए। कैमरा मैन मैक्स सक्सेना के साथ में दिनू पारसर, इंडिया न्यूज, बयाना। गृह विभाग ने आरपीएस कैलाश बोहरा को सस्पेंड किया। दुष्कर्म केस की जांच के बहाने पीड़िता को बुलाता था ऑफिस में, आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। आपको बता दें यह अफसर खाकी पर दम है। एसीपी कैलाश बोहरा सस्पेंड कर दिए गए। गृह विभाग ने एसीपी कैलाश बोहरा को सस्पेंड किया है। दुष्कर्म केस की जांच के बहाने पीड़िता को बुलाता था। बड़ी खबर से आपको एक बार रूबरू करा रहे हैं। गृह विभाग ने एसीपी कैलाश बोहरा को सस्पेंड किया है। दुष्कर्म केस की जांच के लिए पीड़िता को बहाने से बुलाता था ऑफिस में, आपत्तिजनक हालत में एसीबी को पकड़ा गया था। ऐसे में सस्पेंड कर दिया गया है गृह विभाग के द्वारा एसीपी कैलाश बोहरा को। दुष्कर्म केस की जांच के बहाने पीड़िता को बुलाता था। मंडोर में केंद्रीय मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लाल सागर मंडल महामंत्री महेश व्यास की अध्यक्षता में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में 10 विषयों पर अलग अलग वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। प्रशिक्षण में मातृशक्ति ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडोर से ये तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें महामंत्री महेश व्यास की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। 10 विषयों पर वक्ताओं को जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मातृशक्ति ने भी हिस्सा लिया। जोधपुर के लुड़ी में बोरा नाड़ा इलाके में नमकीन की एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लुड़ी से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां भीषण आग का ये मंजर, अज्ञात कारणों को बताया जा रहा है आग लगने की वजह। आपको बता दें ये नमकीन की फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई, तमाम सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीकर के धोधपुर कस्बे में जमीनी विवाद के चलते ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। ग्रामीण थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों की ओर से इल्जाम है कि धोध थानाधिकारी ने एक पक्ष में के थाना के साथ मिलकर पीड़ित के प्लॉट के चारों ओर लगी तारबंदी को हटाकर पीड़ित परिवार को थाने ले जाकर धमकाया गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ग्रामीण सीओ को दर्ज करवाई। जानकारी मिलने के बाद धोध विधायक परसराम मोरदिया ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर आश्वासन दिया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।